हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैक। आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे आपके यूपीएससी एनडीए के अंदर आए क्वेश्चंस की फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जितने भी आपके अभी तक 2022 से लेकर 23 का पार्ट वन के अंदर जितने भी आपके बायो के क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको एक बार देखेंगे कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस हैं या उनका जो है एक्सपेक्टेड या उनकी जो एक प्रॉपर आंसर की है एंड हाउ टू सॉल्व देम, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम आज इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल वॉल कॉम्पोजिशन। यानी कि यहां से जो आपको पूछा गया है वो है आपको सेल वॉल, एक ऑर्गेनल है जो आपकी प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इस सेल वॉल को ध्यान में रखकर आपको इसके फीचर्स बताने हैं या इससे रिगार्डिंग जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई है वो आपको यहां पर डिस्कस करनी है। जैसे सबसे पहली स्टेटमेंट है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और ये आपका जो आया है वो आया है आपका सेल चैप्टर से, सेल एंड इट्स ऑर्गेनल से। ठीक है, उसके बाद पूछा है, बोला है कि फंगल सेल वॉल जो है, पहले तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से, फंगस की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से, एनिमल्स के पास सेल वॉल जो है वो नहीं होती है, उनके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होती है आपकी शुगर एंड प्रोटीन्स। आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर एक है तो एक, दो है तो दो। सो इसका आंसर क्या बनेगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी में आएगा आपका काइटिन। जो फंगस की सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। एनिमल्स डेफिनेटली लैक सेल वॉल और उनके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि बनाता है आपका प्रोटीन्स एंड शुगर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरे इसमें पूछा गया है प्रेजेंट नहीं होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जब हम बेसिक डिफरेंस करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि प्रोकैरियो का मतलब है कि न्यूक्लियस के इन्वेंशन से पहले, और यूकैरियोट का मतलब होता है एडवांस सेल विच इज कंटेनिंग न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज योर न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेल वॉल भी होती है प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स में यूजुअली जो आते हैं वो आते हैं आपके बैक्टीरिया। तो सोल मेंबर्स जो है प्रोकैरियोट्स के वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, राइबोसोम्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, बस न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो जो नहीं बताना था, पूछा गया था, तो नहीं का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इन अ प्लांट सेल, है ना, अब आपको बताना है प्लांट सेल के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन डीएनए, अपना ही डीएनए कौन कंटेन करते हैं, मतलब जिनके पास खुद के पास ऐसी ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका जो है ये भी हम पढ़ते हैं सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स के अंदर, और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। आपको यहां पर प्लास्टिड भी लिखा आ सकता है, तो वन एंड द सेम थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही डीएनए होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, अगेन इट इज फ्रॉम योर सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प्स स्पीशीज टू सर्वाइव ओवर लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस, मतलब क्या बेनिफिट है, एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, जेरॉक्स कॉपीज निकलती है, वेयर सेक्सुअल के अंदर जो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स दे हैव द कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट, दैट इज योर मेल एंड फीमेल। और उससे क्या होता है, जब आपके अंदर जो आपका जो ऑफस्प्रिंग होता है इट हैज द जेनेटिक वेरिएशंस एज वेल एज मोर वेरिएशन है ना, एवोल्यूशन होता है। तो आंसर इज योर डी, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या कॉम्पोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है बायोलॉजी का। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, सब लिविंग्स में नहीं होता, एंड द आंसर इज योर सेल वॉल। रीजन, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल के अंदर नहीं होती है, बट एनिमल जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल, इंस्टेड दे कंटेन सेल मेम्ब्रेन।
तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग के पास सेल वॉल हो, किसी के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ये सब कुछ सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर हार्ट बीट जो है वो कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? दिस इज फ्रॉम योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक, सिंपथेटिक। वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वो आपका क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है एड्रिनलिन। और ये इंसुलिन जो है, इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, ठीक है। मेलाटोनिन जो है, दिस इज फ्रॉम योर ब्रेन, ऑब्वियसली फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है जी। और ये आपके पॉन्स वाला पार्ट है, वो रिलीज करता है, सेरेबेलम में है। थायरॉक्सिन इज फ्रॉम थायराइड, और एड्रेनल फ्रॉम योर एड्रेनल ग्लैंड। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन है सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, और यही आपकी हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब पूछा गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन परफॉर्म करता है? तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिए कि जो इंटेस्टाइन है उसके पास आपके पेनक्रियाज और लिवर दोनों जगह से आपके बाइल जूसेस आते हैं, और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। इन्होंने पूछा है इंटेस्टाइन के अंदर फैट का, तो फैट का कौन करता है? लिवर। और क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूसेस, ठीक है। और इधर से क्या आता है आपका? लाइपेजेस एंजाइम। तो आंसर बनेगा आपका बाइल एंड लाइपेसिस। लाइपेसिस एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, वो आपको क्या करता है, बाइल इमल्सिफाई करता है आपके फैट को, और लाइपेस जो है उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो डाइजेशन है फैट की, दैट इज इन इंटेस्टाइन के अंदर दोनों आएंगे, बाइल भी और लाइपेसिस भी। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स इज करेक्ट? आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें से कौन सी, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या किया, वेरिएशन किया? अगेन फ्रॉम अ सेल चैप्टर, एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, किनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के पास भी सिर्फ सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स हैव ओनली मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। हाँ जी, एनिमल सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के पास दोनों होती है, सेल वॉल भी और मेम्ब्रेन भी। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नो, एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होती नहीं है, ओनली सम सेल्स ऑफ एनिमल्स हैव सेल वॉल। जी बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट क्या है आपकी? बी वन। तो आंसर इज बी, क्योंकि एनिमल्स के पास जो होती है, दे हैव ओनली एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल किसी भी कीमत पर नहीं होती, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और इसका जो लिंक है, इट इज समहाउ रिलेटेड विद द एवोल्यूशन, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट इज, लिम्फ इज अ टिश्यू, है ना, लिम्फ एक टिश्यू है, फ्लूइड है, जो प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है बिटवीन द टू सेल्स, वहां पर आपके प्रेजेंट होता है लिम्फ। तो ये किसकी तरह रिजेंबल करता है? डाइजेस्टिव जूसेस की तरह, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, यूरिन या प्लाज्मा। तो जो लिम्फ है ना, वो हमेशा किसकी तरह फंक्शन करता है? प्लाज्मा की तरह। जैसे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, लिम्फ भी आपका कुछ इसी तरह से फंक्शन करता है। लिम्फोसाइट्स लिम्फ है आपका, और ये आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, और ये आपकी दोनों कंडीशन में होती है, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो चाहे ना हो। ग्लाइकोलिसिस तो आपकी जरूर होगी आफ्टर दी डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आपने डाइट ले ली। डाइट लेने के बाद क्या होता है? वो डाइजेशन होती है, डाइट की डाइजेशन होती है। डाइजेशन पे वो क्या होता है जी, आपका फूड जो होता है, इट गेट्स ब्रेक, डाइजेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज से क्या होता है, इट ग्लूकोज फर्दर डिवाइड होता है आपका एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में, उससे क्या बनता है? तो उससे एंड प्रोडक्ट आपको बताना है। तो उससे बनता है पाइरूविक एसिड एंड एनर्जी, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। सो द करेक्ट आंसर इज योर ए बी, दैट इज पाइरूवेट एंड एनर्जी। दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। समहाउ हम इसको रेस्पिरेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन थे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग इज आर करेक्ट? अब आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों को कंसीडर कर कर ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दोनों के लिए सही है। पहला जो है ऑप्शन है वो है
वाइल्ड लिविंग बींग्स कैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ एंड रिपेयर, नॉन लिविंग बींग कैन नॉट. ये कहते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं वो आपकी ग्रोथ को जो है या रिपेयर वो एक्सप्रेस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग नहीं करते. पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ग्रोथ और रिपेयर जो होगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ सेल्स, इट विल ऑलवेज बी शोन बाय योर लिविंग्स बट नॉट बाय द नॉन लिविंग्स. उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, वाइल्ड लिविंग बींग डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना. नॉन लिविंग बींग जो है वो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक. तो मेटाबॉलिज्म का मतलब या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब होता है या तो बॉडी के अंदर कोई चीज बन रही है या बॉडी के अंदर कोई चीज टूट रही है. टूटने को कहते हैं, ब्रेक डाउन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और किसी भी चीज के सिंथेसिस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एंड demonstrated by living beings, whereas non-living beings cannot express these metabolic processes. So, दोनों statement जो है वो सही है. और ये आप usually जब इनके बारे में general features पढ़ते हो तो आपको ये statements पता होती है. यहां से आपको question आए, answer जो है correct, that is your both one and two. तो दोनों जो है statements इसके अंदर सही है. Next is, which one of the following plant plastids stores starch, oil, protein, granules. ठीक है, अब अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर की पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो इसमें एक ऐसा की पॉइंट है जो आपको बहुत वो कर देगा, दैट इज योर स्टोर. यानी ये बात कर रहा है स्टोरेज की, और आपकी इसके अंदर आपकी जो ऑर्गेनल है वो कौन सी है, प्लास्टिड है. यानी प्लास्टिड से रिलेटेड आपको बताना है. तो प्लास्टिड के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. करेक्ट आंसर इज योर ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपकी ग्रीन ऑर्गेनल है जो क्लोरोफिल कंटेन करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. क्रोमोप्लास्ट जो है इट गिव्स यू दी डिफरेंट कलर्स एक्सेप्ट दी ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के अलावा ये आपके डिफरेंट कलर्स देती है, स्पेशली रेड, येलो एंड ऑरेंज. एंड जेंथोप्लास्ट से वो दूसरा आपका कैरोटीनर्स और जेंथोफिल्स है जो आपको डिफरेंट कलर्स देते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज योर ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर आपके स्टार्च और आपके प्रोटीन्स एंड आपके फैट्स तीनों के तीनों जो है वो स्टोर होते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर. सो करेक्ट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि स्टोरेज पूछा गया है इसके अंदर. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट. तो अगर आप अभी तक देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेल चैप्टर से ही आए हैं, सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. तो यानी सेल और ऑर्गेनल्स वाला जो पार्ट है आपका, जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर जहां पर मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके अंदर भी मैंने आपको ये मेंशन किया है कि जो सेल चैप्टर है एंड इट्स ऑर्गेनल्स या सेल डिवीजन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और आपका एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दे आर ऑल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट. यूपीएससी हमेशा हमेशा आपकी कंसेप्ट्स देखता है कि हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट, नॉट अबाउट द लॉन्ग, मतलब आपको पूरा डेप्थ में कोई भी टॉपिक पता होना जरूरी नहीं होता है. आपको सिर्फ उसका क्या बताना है, क्रक्स बताना है. मतलब अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उससे आपको क्या समझ आया है उस पे आपका क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी आपसे पूछेगा, स्पेशली इन द बायोलॉजी एंड इन एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. आपका वो हमेशा ये देखता है कि आपको कितनी चीजों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर है. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, वैक्यूल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्लांट्स के अंदर लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम. बिल्कुल सही है, ठीक है. उसके बाद, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. आपको इसमें नॉट करेक्ट बताना है, आई एम सो सॉरी, इसके अंदर आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है. उसके बाद, तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये भी बिल्कुल सही है. अमीबा के अंदर वैक्यूल्स का जो रोल होता है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, एंड दैट इज अगेन द करेक्ट वन. वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, मतलब ये कह रहे हैं स्टेटमेंट कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल होता ही नहीं है. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू. एंड हेंस दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर डी. इसके अंदर नॉट पूछा था, नॉट करेक्ट, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी बन गया, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर बेशक वो स्मॉल साइज के होते हैं बट दे हैव अ रोल इन देम ऑल्सो, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक का मतलब है जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, लार्ज एयर सैक्स जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, बायंसी इफेक्ट प्रेजेंट, एयर सैक्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये सैक्स जो है दे आर सराउंडेड बाय किस टिश्यू से बने होते हैं, एयर जो मॉलिक्यूल्स है. देखो पानी के अंदर सोयल नहीं होगी, ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल जो आपका पानी है
वहां से आपको ज्यादा क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट्स को स्पेशली। तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेते हैं, ऑब्वियसली वाटर से लेंगे, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट है तो H2O ब्रेक होकर ही उनको ऑक्सीजन देगा। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर वहां से आपको ऑक्सीजन कैरी करने है तो जो उनके टिश्यूज होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो एयर सैक्स जो होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, कौन से सेल्स बनाते हैं आपके, या कौन से सेल्स एयर सैक्स के आसपास होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज द पैरेन्काइमा एज वेल। पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर मींस बिटवीन द टू सेल्स देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। तो एयर सैक्स को जो प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर वी कॉल देम एज एरेन्काइमा एंड वी स्टडी दीज इन द प्लांट टिश्यूज। तो हम इसको पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपको और पूरा का पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है, प्लांट टिश्यूज से इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन। मतलब ये चार ऑप्शंस है, आपको बताना है इसमें से कौन सा डिजीज जो है दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। एड्स वायरस, डेंगी फीवर, कमेंट करके बताना किससे होता है, COVID-19 वायरस, टाइफाइड फीवर जो है इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड मुझे बताना कमेंट करके कि जो डेंगी फीवर है वो आपका किससे होता है, वेदर इट इज बैक्टीरियल और वेदर बैक्टीरिया तो नहीं है फॉर श्योर, वेदर इट इज फ्रॉम योर वायरस, फ्रॉम प्रोटोजोआ, ठीक है, फंगस, किससे होता है, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट वन, जो कि आपको कॉज करता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पाइसेस। दिस इज फ्रॉम योर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल किंगडम, ये आपका एनिमल किंगडम से पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट थाइज है ना, ऑस्टिक थाइज जो आपकी फिशेज होती है या फिश होती है, फिशेज होती है वो आपकी बनाई गई है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर बिलोंग करता है पाइसेस से, ठीक है, आपको बताई गई है पाइसेस वो क्लास। तो द आंसर इज योर डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश जो है दिस इज एक्चुअली इन दी पाइसेस। बाकी बच के जेली फिश, सिल्वर फिश एंड स्टार फिश, तो आपकी जो जेली फिश है ये बिलोंग करती है सिलेंट्रेटा से, सिल्वर फिश फ्रॉम योर आर्थ्रोपोडा एंड स्टार फिश इज फ्रॉम योर इकाइनोडर्मेटा। तो क्योंकि फिश है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये भी फिश ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जेली फिश, ऑरेलिया और ये जो सारे आपके, दिस इज फ्रॉम योर स्पेशली जेली फिश, ये आपकी क्या है, दिस इज फ्रॉम योर सिलेंट्रेटा, और इनको हम निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है, निडेरिया, निडेरियंस और निडेरिया और सिलेंट्रेट्स। ओके, तो ये हो गया आपका एक और, ये हम करेंगे डोंट वरी, बट आपने भी ये चीजें हम शॉर्ट पढ़ी होगी जो जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है। बायोलॉजी बहुत मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज कि टेंथ लेवल है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन से। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस पूछे हैं पर प्लांट किंगडम के, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। और प्लांट किंगडम पूछा गया तो ऑब्वियसली प्लांट से रिलेटेड है, तो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहती है आपकी, प्लांट एज वेल एज योर वाटर। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइटा के अंदर भी यूजुअली स्टडी अबाउट द एल्गी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स है। टेरिडोफाइट्स को वी कॉल देम एज फर्म प्लांट्स, और जिम्नोस्पर्म्स की जो एक फीचर है दैट इज योर नेकेड सीड्स, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, नेकेड होते हैं, बट इन तीनों के अंदर देयर इज नो फ्लावर नो सीड, ठीक है, नो फ्लावर प्लस नो सीड, और इनके पास नेकेड सीड्स हैं प्लस फ्लावर है जिम्नोस्पर्म्स के पास। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चंस जो आपके आए हैं 2022 ईयर में और 23 के अंदर। बहुत कम पोर्शन होता है बायो का, लेकिन अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं, यू आर कम्पीटिंग एंड यू आर सिटिंग इन एग्जाम जहां पर आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करके ऑब्वियसली आपको मेरिट में आना है, वी टेकिंग नो काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो कन्फ्यूजन की होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आपको वहां पर ये जो सब्जेक्ट्स होते दे प्ले अ वेरी मेजर रूल, जहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीधा आपको 20-25 नंबर पर ऊपर ले जाते हैं, एंड आपका कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको जीएस वाला पार्ट नहीं आता है तो यहाँ से पार्ट से जो है आपको वो कवर कर सकते हैं, या मतलब आप ये क्या करते हैं थोड़ा सा आपको पुश करते हैं आपका मार्क्स बढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो है हम उसको अंडररेट नहीं कर सकते कि आप वो नहीं करेंगे ये करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हम ये भी नहीं कह सकते अगर आप ये नहीं
नहीं करेंगे तो आपका वो हो जाएगा. देखो ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन दी माइंड सेट ऑफ एन एग्जामिनर जो एग्जाम सेट कर रहे हैं. हो सकता है कि आपको बायो के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाए, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री के कम हो जाए, या केमिस्ट्री के ज्यादा आ जाए, बायो के कम हो जाए, इट डिपेंड्स. ठीक है, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है. बहुत ज्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं होता है इसका, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है. आपको बस क्या करना है, क्रक्स के साथ और एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअली जो है आपको चीजों को पढ़ना है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड बहुत सी वीडियोज के साथ इसी से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए कीप सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.